दोस्तों, जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे हो, इसका साइज़ है 18x40, और इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहे इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन छागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। मैं आपको आज ये मॉडल इतना बेहतरीन मॉडल डिज़ाइन किया है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, लोग इसका फ्रंट से अगर बात करें सामने से तो ये मॉडल ऐसा दिखेगा। चौड़ाई की बात करें तो 18 फिट है, लंबाई की बात करें तो ये 40 फिट है, और 18x40 का ये होम डिज़ाइन जो मैंने क्रिएट किया है, बेहतरीन सा लुक है। प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर किचन, बाथरूम, लेटरिन, स्टेयर से सारी चीज़ों की व्यवस्था की है। तो आप इस वीडियो पर बने रहें। मैं हमेशा के तरीके से आप गुजारिश करूंगा कि आप अगर ये वीडियो मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं तो नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले लाइक का बटन मिल जाता है, उस पर क्लिक कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, आप जुड़े नहीं हमारे चैनल, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं हाउस प्लान से रिलेटेड कोई वीडियो लाऊंगा तो आप तक हमारी जानकारी पहुंच जाएगी, आप वो प्लान देख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमेशा के तरीके से हम जैसे हर बार करते हैं उसी तरीके से इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। मॉडल को जैसे ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ऊपर से लेकर आपको नीचे तक पूरा मॉडल दिखेगा, सारी चीज़ें दिखती हैं ट्रांसपेरेंसी में, अंदर से लेकर बाहर तक सब कुछ आपको दिख जाता है, दीवारें हाइड हो जाती हैं, तो ये और भी बेहतरीन मॉडल आपको देखने को मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी में। आफ्टर दैट जब आप ये ट्रांसपेरेंसी रिमूव करते हैं तो फिर से ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम ग्राउंड फ्लोर को डिस्कस करेंगे। मैं बात कर लूँ फ्रंट से, तो फ्रंट से लुक आपको ये दिखेगा। तो आप ग्राउंड फ्लोर की बात करें, मतलब लास्ट सबसे निचले फ्लोर की बात करें, तो सामने से ये फ्लोर ऐसा दिखेगा। ये आपका एक बड़ा सा विंडो दिया है मैंने, और ये इसका मेन डोर है। जैसे मेन डोर से एंटर करेंगे तो मेन डोर पर ही स्टेयर्स है, जो स्टेयर्स का जो दोस्तों साइज है वो मतलब कि अंदर से आप चढ़ेंगे और घूमकर फिर से अंदर को आ जाएंगे। गैलरी में आपका स्टेयर्स मैंने दिया है, ये एक डिजाइनिंग। और जैसे आप स्टेयर से अंदर जाते हैं, स्टेयर के नीचे से, तो सबसे पहले एक बड़ा सा आपको गेस्ट रूम मिल जाता है, जिसके लिए विंडो और प्रॉपर तरीके से डोर को मैंने अंदर से ही दिया है। ये आप देख सकते हो, ये आपका गेस्ट रूम है। और इसके बाद ये आपका जो दिख रहा है, ये आपका लेटरिंग है और ये आपका बाथरूम है, दोनों क्लोज्ड हैं। ये ओपन में आपका ये एक काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना और बैठने की व्यवस्था डाइनिंग हॉल टाइप का बना सकते हैं। और सबसे पीछे भी आपको एक बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक किचन सेट मिल जाता है। ओपन में चाहें तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है ये पूरा मॉडल। फिलहाल अगर आप ओपन रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि किचन ओपन ही रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और आपको जो भी लगता है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर ज़्यादा रूम नहीं डिजाइन किए हैं, क्योंकि आपको ये अगर इनका साइज आपको दोस्तों जानना है, या आप मॉडल डाउनलोड करना चाहते हैं कोई भी मॉडल, तो हमारी वेबसाइट पर आप जरूर से जरूर विजिट करिएगा। आज इसका भी नाम इस वेबसाइट का नाम भी smallhouseplan.com है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आपको यहाँ पर लगातार वीडियोज मिलते रहते हैं, ये देखिएगा वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। आप देख कर यहाँ पर वीडियो भी देख सकते हो, और ये इमेजेस भी आप प्लान भी डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरा मॉडल जैसा कि आपने देखा, तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर पर आप आते हैं, तो फ्रंट से ये फर्स्ट फ्लोर आपको ऐसा दिखेगा। सारी चीज़ें सेम है, बिल्कुल वही टू। आप चाहे तो यहाँ से किचन हटा सकते हैं, ये रूम बड़ा सा एक हॉल टाइप का बना सकते हैं, और सारी चीज़ें आपको वही एडजस्ट करने को मिल जाती है। सिर्फ ये रेलिंग आपको मिल जाती है 2 से 2.5 फिट का बाहर की तरफ, और स्टेयर्स भी वहीं पर, वही रूम आपका क्रिएट कर दिया है मैंने। थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दिया है इस रूम में, जो कि आपका ईटो वाला ये देख सकते हो टेक्सचर लगा है, और ये विंडोज लगी है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो सेम टू सेम है लास्ट फ्लोर भी, यहाँ पर कोई खासा कुछ चेंज नहीं किया है। सिर्फ आगे वाला रूम जो गेस्ट रूम था, उसी को मैंने डिजाइन कर दिया और इसको ढक दिया है। तो ये पूरा मॉडल हो गया 18x40 का। एक मॉडल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या ये वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों अपने फेसबुक प्रोफाइल पर इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका कोई रिकमेंडेड मॉडल आप चाहते हैं कि मैं आपको मॉडल डिजाइन करूँ कोई, तो आप मुझे कमेंट करके अपना साइज बताइएगा, मैं आपका मॉडल जरूर डिजाइन करूंगा। हर संभव प्रयास करता हूं मॉडल डिजाइन करने का, लेकिन इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो सभी का पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं किसी एक बंदे का जरूर डिजाइन करता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और मॉडल पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।